हेलो दोस्तों, आज हम मेजरमेंट के द्वारा आपको लोअर की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है और इस पे हम ऊपर एक सीधा निशान लगा देंगे। ये जो हमारा लोअर है इसकी लंबाई 37 इंच तैयार आनी है। तो चलिए यहाँ से एक 37 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि ये इसमें हम चाइनीज इलास्टिक लगाएंगे। 1 इंच मोरी में जाएगा और 1 इंच चला जाएगा चाइनीज इलास्टिक में। आसन के लिए 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अगर हम सिंपल बनाते इस लाइन को मिला देंगे। अगर आप सिंपल लोअर बनाते तो आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना पड़ता, उसमें चाइनीज इलास्टिक नहीं आती, सिंपल इलास्टिक आ जाती। इस लोअर की जो जांग है वो है 23 इंच, इसलिए 11.5 बैठता है। आधा इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे आसन के लिए। इसी तरह कन्नी छोड़कर 10.5 इंच पर एक निशान ऊपर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को फीटे की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों 0.5 इंच एक निशान लगाएंगे और इसमें शेप दे देंगे, गोल शेप दे देंगे इसमें। इसके बाद 1 इंच जो हमारा पॉइंट गिराया जाता है आसन में, वो पॉइंट गिरा देंगे और इसको मिला देंगे। इसके बाद ये जो हमारी कन्नी है इसको हम मार्किंग कर देंगे, यानी इसको हम मार्किंग करने के बाद कटिंग कर देंगे इसकी। तो यहाँ से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अब हम जो हमारी मोरी है वो है 12 इंच तैयार आनी है, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 6 इंच की तो मोरी हो जाएगी और 0.5 इंच मार्जिन में जाएगा। इसके बाद शेप पट्टी की सहायता से इन दोनों निशानों को आसन से और मोरी तक मिला देंगे और फीटे की सहायता से नीचे भी मोरी को सीधा कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो यहाँ से 4 इंची पर एक निशान लगाना है, इसके बाद 6 इंची पर एक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों पर कैंची से कुटका लगा देना है। इस हिसाब से हमारा 6 इंची पर पॉकेट का मुंह आ जाएगा और 4 इंच नीचे इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें हम चाइनीज इलास्टिक लगाएंगे। चाइनीज इलास्टिक में 0.5 या 0.75 इंच मार्जिन में चला जाएगा दबाव और इसी तरीके से 1 इंच नीचे चला जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव लिया है। अब इस पल्ले की सहायता से यानी इन सामनों की सहायता से ही हम बैक की कटिंग करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से हमें शेप पट्टी की सहायता से जैसे हमने सामने में शेप दी थी, इसी तरीके से बैक में भी शेप दे देंगे और नीचे जो मोरी है इस मोरी को भी सीधा मिला देंगे। अब हम 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे मोरी पर और 1.5 इंच निशान लगाएंगे बाहर की तरफ आसन यानी जो हमारी जांग होती है, और इस आसन को हम इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने सामने में 1 इंच का पॉइंट गिराया था उसी तरीके से दोस्तों 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे आसन से, तो ये हमारी बैक सीधी हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी मार्किंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हमें इसको सीधा मिलाना है, ये हमारा आसन भी लगकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इसकी जो हमने ये 1.5 इंची और 1 इंची पर निशान लगाया था, इन दोनों निशानों पर ये पल्ले रखकर हमने मार्किंग कर दी है। अब हमारी बैक की मार्किंग होकर तैयार हो गई है, तो अब हम कैंची की सहायता से इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि कटिंग से रिलेटेड लोअर हो, टी शर्ट हो या किसी भी तरीके की कटिंग हो, आपके पास ये वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम जो हमारी पॉकेट होती है, पॉकेट का हमारे पास पैटर्न पहले से ही तैयार है। मैं बता दूँ 11 इंच ये लंबा पैटर्न है और 7 से 7.5 इंच चौड़ा पैटर्न होता है ये। तो हमने इसकी मार्किंग कर दी है पैटर्न से, तो यहाँ से हमारी पॉकेट निकल कर तैयार हो जाएगी। एक पीस में 2 पॉकेट लगाई जाती है।
तो यहाँ से हमने इसकी मार्किंग कर दी है, अब हम इसको आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हमने इसको काट लिया। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।